ये क्या? शहबाज नवाज के बीच पड़ गई फूट। नवाज के करीबियों को शहबाज ने किया नजरअंदाज। भतीजी शरीफ को चाचा पर गुस्सा क्यों आया? पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री क्या अब अपने असली तेवर दिखाने लगे हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी तक जिस पहचान के वो मोहताज थे, उनकी पहचान बताने के लिए नवाज शरीफ का नाम लेना जरूरी हो रहा था, अब उसी पहचान को खुद से अलग करने की चाल चल रहे हैं शहबाज शरीफ। क्यों? क्योंकि अब उस पहचान के मोहताज नहीं है इसलिए? ये आरोप लगे भी तो क्यों ना लगे, भाई शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ के करीबियों की नजरअंदाजी की है। पाकिस्तान की नए नवेली सरकार में अपने भाई के ही करीबियों को पद नहीं दिया। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी को कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाया गया और वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी फूट पड़ती दिख रही है। पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जिन 33 नेताओं को मंत्री बनाया है, उनमें से महज एक नेता ही नवाज शरीफ का करीबी है। जब चाचा शहबाज शरीफ का भतीजी मरियम नवाज ने ऐसा रुख देखा तो गुस्से से तमतमा उठी। मरियम नवाज के गुट का कहना है कि शहबाज शरीफ ने सरकार गठन में सही व्यक्ति को सही काम देने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के किसी भी करीबी को जगह नहीं मिली है और शहबाज ने चुन चुन कर अपने वफादारों को कैबिनेट में भर लिया है। नवाज शरीफ कैंप ने शहबाज शरीफ पर आरोप लगाया कि एजुकेशन सेक्टर में 25 साल का अनुभव रखने वाले सिद्दीकी को जगह नहीं दी गई, जबकि राणा तनवीर को शिक्षा मंत्री बनाया है जिनके पास कोई अनुभव ही नहीं है। पीएमएलएन में कोहराम मचा है तो वहीं पीपीपी ने भी टेंशन दे दी है। बिलावल भुट्टो और जरदारी ने मंत्री पद स्वीकारा नहीं है, उनकी ही पार्टी के नेता मुस्तफा नवाज खोकर ने भी शपथ नहीं ली। वजह शायद ये रही कि उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा रहा था जबकि वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे थे। मतलब आप अंदाजा लगाइए, जो नेता जैसे इरफान सिद्दीकी, परवेज राशिद, मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ के करीबी माने जाते थे, उन्हें शहबाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट में जगह दी ही नहीं। सूत्रों का कहना है कि शहबाज शरीफ की कैबिनेट में नवाज के सिर्फ एक ही करीबी नेता जावेद अल लतीफ को ही जगह दी गई है, उन्होंने भी मंगलवार को शपथ नहीं ली थी। बिलावल भुट्टो ने तो लंदन में जाकर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी कर ली है। मुलाकात के दौरान बिलावल ने नवाज को इमरान खान को हटाने और पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव में नवाज के भतीजे हमजा शहबाज की जीत पर बधाई दी और उसके बाद अब बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्री बनाया जाना भी लगभग तय माना जा रहा है और साथ ही ईद के मौके पर नवाज शरीफ के पाकिस्तान लौटने की भी चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। पीएमएलएन के नेता मियां जावेद लतीफ के मुताबिक नवाज शरीफ ईद के मौके पर पाकिस्तान लौटेंगे। मियां जावेद लतीफ शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनाए गए हैं। लतीफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंत्री बनाए जाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम आगे बढ़ाया है। बिलावल भुट्टो अगले विदेश मंत्री होंगे। लंदन से लौटने पर बिलावल मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब देखते हैं कि लतीफ के दावे कितने सच साबित होते हैं, क्योंकि अभी तक तो माहौल कुछ ऐसा ही है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के सभी करीबियों को नजरअंदाज कर अपने करीबियों को मंत्रिमंडल में तवज्जो दी है। आपको बता दें, नाराजगी कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपने बेटे हमजा शहबाज को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सीएम भी बना दिया है, जो सियासी लिहाज से पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा है। भाई नवाज शरीफ की बेटी, जिनके कैबिनेट में अहम पद मिलने की चर्चाओं ने तूल पकड़ा हुआ था, उन्हें भी कोई अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। ऐसे में पार्टी के संस्थापक नवाज शरीफ का परिवार सत्ता मिलते ही शहबाज शरीफ की तरफ से खुद को साइडलाइन किया हुआ महसूस कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता मिलते ही शहबाज शरीफ पर जिस तरह से भाई और भाई के परिवार को नजरअंदाज करने का आरोप लग रहा है, इस पर शहबाज शरीफ क्या सफाई पेश करते हैं, सफाई देते भी हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की सत्ता में ये नया भूचाल है जो जल्द दस्तक देने वाला है? इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ के राज में सबसे पहले भाइयों में फूट का मामला तूल पकड़ेगा क्या? सवाल ये कि अगर पाकिस्तान की राजनीति में यही सब चलता रहेगा तो फिर पाकिस्तान के विकास की बात कौन करेगा? शहबाज शरीफ से जो पहले प्रधानमंत्री थे वो अपनी ही झोली भरने में लगे रहे। 4 साल के पीएम पद के कार्यकाल में उन्होंने देश को लूट लूट कर सिर्फ अपनी जेबें भरी।
शहबाज शरीफ की बारी आई तो लग रहा है जैसे भाई से ही दुश्मनी मोल ले बैठेंगे। ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।